नमस्कार, नेचुरल खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो कि कई बार दिल को छू जाने वाला लगता है, या यूं कह लीजिए कि ऐसी परिस्थिति जब देश के सामने हो, संकट की परिस्थिति, तो फिर ऐसा होना लाजमी हो जाता है और इसकी तारीफ की जानी चाहिए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को आज एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन को तेज किया जाए और जो तबाही हो रही है उसको लेकर उन्होंने 5 सुझाव दिए हैं। क्या है वो सुझाव जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ से? चलिए इस पर देखते हैं कि वो कौन से सुझाव हैं जो भाजपा केंद्र में होते हुए जिन पर शायद अमल नहीं कर रही, चूक जा रही थी, और वो कौन से 5 सुझाव मनमोहन सिंह ने दिए जिनसे की स्थितियां बेहतर हो जाए आने वाले समय में। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने महामारी को काबू पाने के लिए टीकाकरण महत्वपूर्ण है, ये सब हम सब जानते हैं। उन्होंने कि कितने लोगों को टीका लगा है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कितने लोगों को लगा, उस संख्या पर जाने से ज्यादा जरूरी यह है, या ज्यादा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि कितने प्रतिशत आबादी को वैक्सीनेशन लग चुका है, कितने लोगों को टीका लगाया गया है, इस बात पर फोकस किया जाए। तो अलग अलग तरह के सलाह है। मनमोहन सिंह ने कहा पहले सरकार को अगले 6 महीने के लिए जो ऑर्डर दिए टीकों के लिए, वैक्सीन के लिए, किस तरह से ये टीके जो है राज्य सरकारों में बटेंगे, इसका एक पिक्चर जो है क्लियर होना चाहिए। टीका आपने ऑर्डर कर दिया आप, लेकिन राज्यों तक वो कितने की संख्या में पहुंचेगी, कब तक पहुंचेगी, तो इन सब चीजों पर एक पारदर्शी तस्वीर होनी चाहिए। ये मनमोहन सिंह ने लिखा चिट्ठी में। उन्होंने कहा सरकार को यह बताना चाहिए कि अलग अलग वैक्सीन उत्पादकों को कितने ऑर्डर दिए गए हैं जिन्होंने अगले 6 महीने में जिन्होंने कहा कि 6 महीने में देंगे। तो यदि हम एक लक्ष्य तय कर लें, हम लक्षित संख्या में लोगों को टीका लगाना चाहते हैं, तो हमें एडवांस में पर्याप्त ऑर्डर देने ताकि उत्पादक समय से आपूर्ति कर सके। यानी कि जब हम ऑर्डर कर रहे हैं और वो 6 महीने में टीके हम तक पहुंचेंगे, तो हम एडवांस में इतने ऑर्डर कर दें, कमी ना रह जाए वैक्सीन की, और देश की जनसंख्या को देखते हुए इतने पर्याप्त संख्या में ऑर्डर किए जाए कि हर जरूरतमंद की जरूरत पूरी हो सके। एक और सलाह, सरकार को यह बताना चाहिए कि इन आवंटित टीकों का वितरण राज्यों के बीच किस तरह से होगा, उसका एक पारदर्शी फॉर्मूला, ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला सरकार तैयार करे, और केंद्र सरकार 10% आपातकाल जरूरत के लिए, यानी जितने टीके होंगे उसके 10% आपातकाल जरूरत के लिए अपने पास रख सकती है, और बाकी के राज्यों को वो एक साफ सिग्नल भेजे कि हम इतना देंगे और आपको इस तरह से टीके का वितरण करना है, इसकी योजना राज्य सरकार भी पहले से बना सके। क्योंकि अभी जो हालात है उस पर अगर तो देखिए राज्यों में क्या हालात बने हैं, राज्य सरकारें फेल होती दिख रही हैं। प्रदेश की आप बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, कहीं भी वैक्सीन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, अस्पताल की कमी, तो ये जो हालात बने हैं वो नहीं बनेंगे अगर राज्य सरकार से सूचित किया जा सके कि वैक्सीन कितनी संख्या में उनको आपूर्ति की जाएगी। इन सब बातों को अगर ध्यान रखा जाए तो शायद राज्य सरकारें पहले से प्रिपेयर हो सकेंगी। तीसरी सलाह में पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को यह छूट दी जाए कि वो फ्रंट लाइन वर्कर की जो कैटेगरी है वो तय कर सके। हर राज्य अपने हिसाब से फ्रंट लाइन वर्कर की कैटेगरी तय, क्योंकि हर राज्य की जरूरत अलग होती है, जिन्हें 45 साल उम्र के बावजूद भी टीका लगाया जा सके। फ्रंट लाइन वर्कर को आपको पता है कि टीके लगाए गए हैं, जरूरी नहीं कि उनकी उम्र 45 साल से अधिक हो, तो ये राज्य सरकारों के ऊपर होना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखें तो हो सकता है राज्य स्कूल के कोई टीचर हो,
बस चालक हो, थ्री व्हीलर वाला हो, टैक्सी ड्राइवर हो, म्यूनिसिपल पंचायत कर्मी हो, क्योंकि हर राज्य की जरूरत अलग है और जैसे ही स्थितियां थोड़ी नॉर्मल होती हैं लोग इन सेवाओं का उपयोग करने लगते हैं। जाहिर सी बात है कि फ्रंटलाइन वर्कर सिर्फ वही नहीं है जो कि आप कहिए जो सुरक्षा हमें मुहैया करा रहे हैं, पुलिसकर्मी या डॉक्टर, इस तरह के लोग भी जो है रोजाना लोगों से मिलते हैं, तो इनसे संक्रमण होने का खतरा बढ़, तो इन लोगों को भी वैक्सीन लगाया जाना चाहिए। ये राज्य सरकार तय करे, उनको वो कैटेगरी तय करे। और पूर्व प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले कुछ दशक में देखा जाए तो भारत बड़े वैक्सीन उत्पादक के रूप में जो है उभरा है, सामने आया है, कई देशों को भेजे हैं। तो उन्होंने लिखा है कि अधिकांश क्षमता निजी क्षेत्र में है, इनका है। जन स्वास्थ्य के लिए मौजूदा आपात स्थिति में भारत सरकार वैक्सीन उत्पादकों की मदद करनी चाहिए, उनको मदद पहुंचानी चाहिए, मदद देनी चाहिए, ताकि वो और तेजी से मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का विस्तार कर सके। तो ये एक और सलाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि वैक्सीन के घरेलू आपूर्तिकर्ता सीमित हैं, इसलिए ऐसे किसी भी टीके जिसे यूरोपियन मेडिकल एजेंसी या यूएसए ने मंजूरी दी हो उसे देश में आयात करने की मंजूरी दे देना चाहिए, उनको लेकर ट्रायल किए बिना उन्हें मंजूरी दे देना चाहिए, क्योंकि ये न्याय के हिसाब से सही है। आपात स्थिति में यह छूट जो है न्यायोजित है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली है आज कि जब आप ऑर्डर देते हैं वैक्सीन की तो जरूरी नहीं है कि आप उसका एक ट्रायल करें, टेस्ट करें, क्योंकि जब संकट की घड़ी होती है और ऐसी घड़ी में ये छूट जो है न्याय के अनुसार है, न्याय के उचित है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कार्यक्रम बहुत, फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।